हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एक आईपीओ सीजन चल रहा है फिलहाल मार्केट्स में तो इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ जो आया है अबाउट इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस या फिर आईकेएस हेल्थ इसे शॉर्ट में हम कहेंगे तो इस कंपनी का आईपीओ शुरू हो गया है तो इस वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे कि ये कंपनी क्या करती है क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं आईपीओ की तो ये सब चीज़ों की हम बात करने वाले तो शुरुआत हम करेंगे एक स्टोरी से बिकॉज इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ इस कंपनी की जो हिस्ट्री है उसमें राकेश झुंझुनवाला जी का बहुत बड़ा हाथ है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2006-2007 के आसपास हुआ था एंड राकेश झुंझुनवाला जी जो थे वो इस कंपनी में सीड इन्वेस्टर थे सीड इन्वेस्टर यानी एक बहुत ही अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होते हैं किसी भी कंपनी में जब एक कंपनी का बिजनेस बस एक आइडिएशन स्टेज पे है यानी जब सिर्फ आइडिया बनी है एक्चुअल बिजनेस करना शुरू होने वाला है उस स्टेज पर जो पैसा आता है किसी भी कंपनी में उसे इंजल एंजल इन्वेस्टिंग या फिर इंजल फंडिंग सीड फंडिंग ये सब नामों से जाना जाता है सो बेसिकली सीड फंडिंग बेसिकली मीन्स कि एक बहुत ही अर्ली स्टेज पर कोई इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है तो तब उसे सीड इन्वेस्टिंग कहते हैं तो 25 फाइव करोरस का इन्वेस्टमेंट राकेश झुंझुला जी ने इस कंपनी में तब किया था जब कंपनी का बिजनेस जस्ट शुरू होने वाला था जस्ट गोज ऑन टू शो कि किस तरह का कन्विक्शन उनको कंपनी के बिजनेस में या फिर कंपनी के फाउंडर्स में था सचिन गुप्ता इज द नेम ऑफ द फाउंडर जिन्होंने ये बिजनेस बेसिकली स्टार्ट किया एंड uh, जो इन्वेस्टमेंट है राकेश झुंझुला जी की इन, इस कंपनी में वो 340x हो गई है 340 टाइम्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है इन द 17 इयर्स सिंस द कंपनी वॉज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही एक एक दो साल में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो जाहिर सी बात है कि स्पेशली ऐसी कंपनी जिसमें फंडिंग की ज़रूरत उस स्टेज पर बहुत ज़्यादा थी ऐसे कंपनी के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आने शुरू हो गए तो ऐसे में एक क्लियर चीज़ हो गई कि ट्वेंटी फाइव क्रोर्स की फंडिंग के बाद अर्लियर प्लान ये था कि अब कंपनी ब्रेक इवन तो हो जाएगी एटलीस्ट कंपनी को जो ऑपरेशन है वो चलाने में दिक्कत नहीं होगी ज्यादा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मैं वो आगे एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ आपको बट मेनली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैश बर्न करने की जरूरत नहीं है बी टू बी काइंड ऑफ मॉडल है कंपनी के बिजनेस का पर हुआ ये कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अब चीजें और प्रॉब्लमेटिक हो गई कंपनी के लिए तो ऐसे में राकेश झुंझुला जी ने इस कंपनी में और 80 करोड़ इन्वेस्ट किए और ये जो फंडिंग था 80 करोड का वो इक्विटी बेस्ड नहीं था वो डेट बेस्ड था उसका रीज़न था कि वो नहीं चाहते थे कि कंपनी के जो फाउंडर है जो भी कंपनी के फाउंडर्स है सचिन गुप्ता के अलावा बाकी जो भी को फाउंडर्स हैं उनका डायल्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो कंपनी में दिस इज समथिंग दैट ही वॉन्टेड एंड वो चाहते थे कि फाउंडर्स का खुद का कंपनी में इक्विटी बना रहे ताकि उनको वो मोटिवेशन रहे टू इंक्रीज द स्केल ऑफ द बिजनेस इन द फ्यूचर तो ऐसे टाइम पर उन्होंने डेट से फंडिंग करी ऑफ द एक्स्ट्रा एटी क्रॉस एंड जिस स्टेज पर अब ये आई आ रहा है कंपनी का एंड जहाँ पर इसका मार्केट कैप अब पहुँच चुका है वैल्यूशन जहाँ तक पहुँच चुका है ऑब्वियसली बात है कि कंपनी ने उनकी जो फेथ है राकेश जनवाला जी की जो फेथ थी इन दिस कंपनी एंड दी फाउंडर्स वो बहुत ही मल्टी मल्टीफोल्ड टाइम्स जो है वो रीपे की है सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी अबाउट द कंपनी अब हम आते हैं इशू पर यह कंपनी क्या करती है क्या इसके डिटेल्स है अच्छी बातें बुरी बातें कंपनी की ये सारी चीज़ों का डिस्कशन अब हम शुरू कर दें तो क्विकली बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो ये आपकी स्क्रीन पर है Uh, तो हमें सबसे पहले जाना होगा यूएस की हेल्थ केयर सिस्टम्स में टू जस्ट गेट इन टू कि कहाँ पर हम हमारा मार्केट फोकस है विथ रिगार्ड्स टू दिस कंपनी तो बेसिकली किसी भी हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट प्राइवेट हाउस होल्ड्स जो जो होते हैं वो प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स इनसे इनसे उनका इंट्रैक्शन होता है बीच में बहुत सारी पार्टीज आती है इंश्योरर आता है स्टेट गवर्नमेंट आती है फेडरल गवर्नमेंट आती है जो फंडिंग देती है टू ऑल दिस हेल्थ केयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी हॉस्पिटल्स को बेसिकली ये सारे कस्टमर्स हैं लाइक यू एंड मी एंड हॉस्पिटल्स को आ, कुछ पैसे मिलते हैं फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट कुछ मिलते हैं फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट एंड जो कस्टमर्स होते हैं दे आर रीम्बर्स फ्रॉम द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस तो आईकेएस हेल्थ जो कंपनी है वो प्रोपोजिशन ऐसा डालती है कि जो भी प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर है यानी हॉस्पिटल्स, उसमें होते हैं मेनली डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स का ध्यान सिर्फ हेल्थ केयर पर जाना चाहिए बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन आई के एस हेल्थ का है तो यहाँ पर बेसिकली आई के एस हेल्थ ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन से लेके जो भी सारी इंश्योरेंस इंश्योरेंस से इंटरेक्शन है गवर्नमेंट से इंटरेक्शन है रिगार्डिंग एनी फंडिंग तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग विल बी डन बाय अस सो दैट जो भी डॉक्टर्स है वो मेनली हेल्थ केयर Uh, जो देनी हेल्थ केयर सर्विस जो देनी है उस पर एंटायरली फोकस कर सके तो यहां पर इनका मेनली रोल आता है तो दे दे टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू मैनेजिंग द हॉस्पिटल विद रिगार्ड्स टू डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स इंश्योरेंस uh, के साथ जो भी रि करना है जो भी पैसा आना है यहाँ तक कि जो पैसे इंश्योरेंस से आने हैं हॉस्पिटल को उसको उसका भी फॉलोअप ये सारी चीज़ें भी कंपनी करती है तो क्विकली कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स हम सबसे पहले जान लेते हैं टोटल साइज जो है इशू का वो है टू थाउजेंड तो अराउंड टू थाउजेंड का आई है एंटायर इशू इज ऑफर फॉर सेल तो कंपनी को इसमें कोई भी पैसा नहीं आने वाला है आईपीओ किया ही इसीलिए जा रहा है ताकि uh, जो भी इन्वेस्टर्स है कंपनी में इनफैक्ट

रिटेंड फॉर देम रिटेल के लिए सिर्फ टेन परसेंट का ही इशू अलॉटेड uh, है रिफंड का डेट होगा नाइनटीन ऑफ डिसम्बर जिनको भी अलाटमेंट नहीं होगा उनके लिए एंड करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अराउंड रुपीज थ्री फिफ्टी पर शेयर विच इज अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट परसेंट ओवर दी इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स अब बात करते हैं कंपनी के क्विक ओवरव्यू के बारे में कि क्या कंपनी का बिजनेस है क्या आ, वैसे तो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली है पर कंपनी बेसिकली ऑफर्स एंड टू एंड आर सी एम ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट है आर सी एम विच इज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेस तो जो भी पैसा हॉस्पिटल को आना है वो मैनेज करना ये उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है कंपनी का उसके थ्रू करके देना ये मेन मेन बिजनेस है कंपनी का इसमें इंक्लूड होता है मेडिकल बिलिंग कोडिंग अकाउंट रिसिवल मैनेजमेंट अकाउंट रिसिबल मैनेजमेंट यानी जो भी पैसा हॉस्पिटल को मिलना है उसका मैनेजमेंट विच कैन स्ट्रीम लाइन ऑपरेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो हॉस्पिटल के ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो सके उसके सर्विसेज कंपनी देती है फर्म केटर्स टू हॉस्पिटल्स फिजिशियन प्रैक्टिस एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन तो उनका मेनली रेवेन्यू का प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन करना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक और चीज़ जो मैं पहले मैंशन करना भूल गया कि ऑब्वियसली आप जब हेल्थ केयर में ऑपरेट करते हो तो रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये भी एक हेडेक है डॉक्टर्स के लिए राइट क्योंकि उनका मेन काम है पेशेंट को ट्रीट करना ये सब चीजें रेगुलेटरी कंप्लायसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना वो उनके लिए एक बर्डन रहता है राइट तो ऐसे में अगेन आई के एस ऑल्सो सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो भी हम देख लेंगे कंपनी मेनली सर्व्स टू द यूएस हेल्थ केयर मार्केट विद एडिशनल ऑपरेशन इन कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन कंपनी के सिर्फ इसलिए शुरू हुए क्योंकि पिछले साल उन्होंने एक्विटी करके कंपनी को अक्वायर किया जिनके कुछ ऑपरेशन कैनेडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है वरना ऑलमोस्ट एंटायर रेवेन्यू कंपनी को यूएस से ही आता है आई के एस लेवरेज प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यानी उनका खुद का एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है एंड जहाँ से डेटा ड्रिवन इंसाइट्स भी मिलते हैं टू एनहस दूरेसी स्पीड एंड कंप्लायंस ऑफ इट्स आर सी एम सोल्यूशंस प्रोमोटर्स कौन है कंपनी के हमने पहले भी थोड़ी सी बात कर ली इस पर तो राकेश झुंझुवाला जी के तीनों बच्चों के नाम के ट्रस्ट है विच आर मेनली द प्रोमोटर्स ईयर तीनों ट्रस्ट में सेवेंटीन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट का शेयर है करेंटली प्री ऑफर बिफोर दी आई पी ओ सो बेसिकली Uh, उनकी जो ट्रस्ट्स है वो मिला के मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग कंपनी की कंट्रोल करते हैं करंटली एंड ऑब्वियसली दे रिप्रेजेंट द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड इसी वजह से रेयर एंटरप्राइजेस जो है उनके uh, कुछ लोग भी है जो कंपनी के बोर्ड पर है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी कंपनी के जो फाउंडर है सचिन गुप्ता उनका अराउंड टेन परसेंट स्टेक है कंपनी में सो दिस इज हाउ द प्रोमोटर बैकग्राउंड इज तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है कंपनी के तो प्रोडक्ट्स के नाम मैंने नहीं दिए क्योंकि वो Uh, फिजूल में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको पर मैं uh, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये आपको बता दूंगा तो रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन ये पहला प्रोडक्ट है उनका तो एफिशिएंट बिलिंग कलेक्शंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस किसी भी हॉस्पिटल के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे ये सारी चीजें होती होंगी इनके सॉफ्टवेयर में एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन तो जो भी स्ट्रीमलाइनिंग है ऑफ कोडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन तो वो सारी चीजें जो है वो एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए यूएस हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली फिजिकल चीजें बहुत कम होती है तो जो भी कंपनी के प्रोबरी सॉफ्टवेयर में है वो सारी चीज़ें मेंटेन करना रिकॉर्ड्स मेंटेन होना किसी भी पेशेंट हिस्ट्री भी होनी चाहिए सो so, कोई भी पेशेंट अगर एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है ये भी कंपनी के सॉफ्टवेयर में सारी चीजें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होंगी तो ये सारी चीजें भी इनके प्रोडक्ट्स है क्लिनिकल तो पेशेंट केयर के वर्क फ्लोज जो है वो एक्यूरेटली ऑप्टिमाइज होने चाहिए तो जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो इंडिया में क्या होता है कि उसकी एक फाइल क्रिएट की जाती है जो मैं नॉर्मल नॉर्मल हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं नॉट वेरी एडवांस हॉस्पिटल्स तो उनकी फाइल क्रिएट होती है जो भी टेस्ट्स हॉस्पिटल कहता है कि अंडर करने हैं पेशेंट को तो वो सारे उसके प्रिंटआउट्स होते हैं उसमें जो भी पेशेंट का प्रोग्रेस है वो उसमें मॉनिटर किया जाता है एज पर डिफरेंट टेस्ट्स जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो उसमें डॉक्यूमेंटेड होते हैं तो यही सारी चीजें आई के एस मेंटेन करता है इन अ सॉफ्ट सॉफ्ट फॉर्मेट वैल्यू बेस्ड केयर भी होती है वहां पर टूल्स फॉर बेटर आउटकम्स एंड कंप्लायंस इंटीग्रेटेड टेक्स सोल्यूशंस जिससे ओवरऑल एफिशियंसी जो है हेल्थ केयर सिस्टम की वो एनहेंस हो सके तो दिस इज अ स्नैप फ्रॉम देअर प्रोस्पेक्ट जहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल को वो अलग अलग स्टेजेस में असिस्ट करते हैं टू मेक देयर ऑपरेशंस बेटर जैसे प्री विजिट में शेड्यूलिंग uh, जो है अपॉइंटमेंट्स का वो इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है पेशेंट फाइनेंशियल क्लियरेंस भी यहाँ पर होता है एंगेजमेंट हब है यहाँ पे uh, जो जब विजिट होती है तब रेफरल ऑर्डर मैनेजमेंट यहाँ से हो सकता है पोस्ट विजिट बिलिंग एंड डिनाइल जो भी है क्लेम क्लेम रिलेटेड चीज़ों का तो वो यहाँ पर हो सकता है पेमेंट पोस्टिंग बाकी सारी चीज़ें जो है आ, पेशेंट का ए मैनेजमेंट तो जो भी पैसे पेंडिंग है फ्रॉम द पेशेंट उसका मैनेजमेंट बाकी सारी चीज़ें इनबॉक्स मैनेजमेंट वेरियस प्रोडक्ट्स है कंपनी के कॉल्ड आई के टैक्स आई के आई के एस एस यू आर एक्स करके एक प्रोडक्ट है एक और कंपनी का तो ये सारे वेरियस प्रोडक्ट्स है कंपनी के जो हॉस्पिटल को हेल्प करते हैं फ्रॉम दी फ्रॉम प्री विजिट टू पोस्ट विजिट से लेकर जो क्लेम सेटलमेंट है वो सारी चीज़ें ये सारी चीजें बेसिकली कंपनी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग अगर हम अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आए तो लाइक आई सेड ऑलमोस्ट एंटायर बिजनेस यूएसए है 96 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएसए बाकी 2 परसेंट ईच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा अब सबसे पहली चीज जब मैं ये कंपनी एनालाइज कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही थी कि ये बहुत मीच सेगमेंट है राइट uh, कंपनी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू असिस्टेंस दे रही है हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल्स uh, को एक तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही है सिर्फ तो वैसे नीच सेगमेंट है काफ़ी पर इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना हो सकता है इसका uh, एक क्यूरोसिटी मेरे भी दिमाग में था सबसे पहले तो उसकी बात कर रहे थे तो टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है यूएस में वो तो काफ़ी बड़ी है दैट इज ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड बिलियन डॉलर्स पर कंपनी सिर्फ आउटसोर्स्ड हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करती है राइट right? लेकिन ये जो आउटसोर्स मार्केट है ये भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है दैट इज पॉइस टू ग्रो बाय 8% परसेंट सी एजीआर टिल ट्वेंटी लेकिन उसमें जो आउटसोर्स मार्केट है दैट इज अराउंड 34 बिलियन डॉलर्स राइट नाउ एंड दैट इज पॉइस टू ग्रो एट सी एजीआर ऑफ ट्वेल्व परसेंट टिल ट्वेंटी तो ओवरऑल

ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो गई है आगे हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तब इसकी बात कर लेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्वाइट गुड फंडामेंटली अगर हम दिखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मार्च ट्वेंटी फोर का, का देखते हो तो दैट इज थर्टी टू परसेंट विच इज़ अ वेरी गुड रेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आर पॉजिटिव एंड दे आर डूइंग डीसेंटली वेल फ्री कैश फ्लोज आर ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम टॉप फाइव कस्टमर्स ज्यादा है सो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर एक रिस्क होती है कंपनी का जो स्टैंड ऑन बिजनेस है बिफोर द एक्विजिशन ऑफ एक्विटी उसमें अराउंड समवेर अराउंड फिफ्टी क्लाइंट्स थे तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस अराउंड ये फिफ्टी हॉस्पिटल्स केटर करता है पर हर एक हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है अगर हम रेवेन्यू पर पेशेंट भी देखेंगे तो वो सारी चीज़ें काफ़ी डिसेंट है कंपनी के लिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एक्विटी मेनली Uh, अब बहुत ज़्यादा डिटेल्स एक्विटी के एक्विजिशन के बारे में यहाँ पर है नहीं कि उनका क्लाइंट बेस कैसा है बट मोर और लेस फ्लेवर ऐसे ही दिख रहा है कि इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है लेकिन जो रेवेन्यू उनको पर क्लाइंट आता है एक्विटी में वो काफ़ी कम है तो ओवरऑल मेनली जो कंपनी के स्टैंड स्टैंडर्ड बिजनेस में अराउंड फिफ्टी क्लाइंट्स है वो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है एंड यही इसी के बेसिस पर हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कंपनी के बिजनेस की लेनी चाहिए आगे फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो आप रेवेन्यू में देख सकते हो मार्च 19 से लेकर मार्च 24 में रेवेन्यू में 29 परसेंट का सीएजीआर ग्रोथ दिखाया है विच इज क्वाइट इंप्रेसिव अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पैट हैज़ आल्सो ग्रोन बाय 32 टू परसेंट विच इज आल्सो वेरी गुड लेकिन मार्च 24 के नंबर्स में ये जो जंप दिख रहा है रेवेन्यूज में फ्रॉम थाउजेंड करोर्स टू अराउंड एटीन हंड्रेड इसमें अराउंड रुपीज़ थ्री हंड्रेड इज बिकॉज ऑफ़ द एक्विजिशन ऑफ एक्विटी जिस वजह से जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन वो अब हमें ज्यादा दिखते लेकिन उस वजह से हुआ ये भी है कि कंपनी का जो इबिडा मार्जिन है वो करेक्ट हो गया बिकॉज ऑब्वियसली एक्विटी उतने ज्यादा इबिडा मार्जिन लेवल्स पर ऑपरेट नहीं करता तो एक्विजिशन की वजह से डायल्यूशन दिख रहा है ओवरऑल इबिडा मार्जिनस में बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड थर्टी परसेंट के स्टेबल इबिडा मार्जिन करंटली कंपनी के बिजनेस में है पहले छह महीने में फॉर एफ आई ट्वेंटी फाइव कंपनी ने ऑलरेडी हंड्रेड का रेवेन्यू कर लिया है सो ओवरऑल एफ आई ट्वेंटी फाइव ऑल्सो लुक्स क्वाइट गुड जब पूरे ईयर के नंबर्स आएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रोज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी इन एफ आई ट्वेंटी फाइव तो ये थे सारी चीजें अबाउट दी कंपनीज फाइनेंशियल नंबर्स अब हम वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं रिगार्डिंग क्या पॉजिटिव्स है इशू के और क्या नेगेटिव्स है सबसे पहले पॉजिटिव्स की अगर हमें बात करनी होगी तो मार्केट लीडरशिप है कंपनी की इस सेगमेंट में काफी इंपॉर्टेंट एंड की प्लेयर है ये यूएस के हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सेक्टर में विच केटर्स टू हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द सेकंड थिंग करंट क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ से आता है कंपनी लार्ज एंड ग्रोइंग क्लाइंट बेस को रिप्रेजेंट करती है पर्टिकुलरली यू एस एंड कैनाडा सो यहाँ पर हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिलेटिवली काफ़ी हाई है एंड रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल है एक और चीज़ जब हम हेल्थ केयर को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड यू एस तो आई थिंक कि इंडिया में मोस्ट हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है जो कंपनी यू एस में ऑटोमेट कर रहा है थ्रू देयर ओन सिस्टम्स वो इंडिया में हॉस्पिटल्स जनरली प्रेफर करते हैं कि वो हाउस एम्प्लॉयज से हो बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्वाइट चीप कंपेयर टू यूएस तो कंपनी के लिए एडवांटेज बेसिकली ये होता है कि कंपनी के पेरोल पर जो एम्प्लॉयज है मैक्सिमम पेरोल एम्प्लॉय आर बेस्ड इन इंडिया एंड वो सर्विसेज दे रहे हैं ये अमेरिकन कंपनीज को तो यहाँ पर चाहे कंपनी की कंपटीशन होगी फ्रॉम अदर अमेरिकन कंपनीज जो आउटसोर्स मार्केट में ऑपरेट करते हैं लेकिन उनके सारे एम्प्लॉयज वहीं पर है तो आई वाज एनालाइजिंग वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द कंपनी तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो सेवन परसेंट जो कंपनी के लिए जो आई के हेल्थ के लिए थर्टी परसेंट है मेनली बिकॉज ऑफ दिस सेविंग्स इन द एम्प्लॉई कॉस्ट जो आई के हेल्थ जैसी कंपनी कर पाती है द थर्ड पॉजिटिव अबाउट द इशू इज स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन ऑफ ऑफ एक्विटी जो पिछले ही साल कंपनी ने एक्विजिशन किया क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में ये कंपनी uh, कंपनी काफी बड़ी है एंड uh, इससे एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए क्रिएट होती है कॉस्ट एफिशिएंट ऑफशोर ऑपरेशंस इसकी बात हमने जस्ट की ऑफ्शियर ऑपरेशन यानी कंपनी की कॉस्ट जो है वो इंडियन वर्क फोर्स की है बट दे आर बिलिंग दी यू एस यू एस क्लाइंट्स फॉर दैट तो इससे कंपनी का सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज कंपनी को मिलता है uh, इससे वो कंपेटेटिव प्राइसिंग दे सकते हैं टू दर क्लाइंट्स एंड दे कैन गेट इवन मोर मार्केट शेयर देयर हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन दॉन यू एस मार्केट अभी तो मेनली सारा ऑपरेशन इनका यूएस मार्केट में है लेकिन वेन दे गो टू मार्केट्स लाइक कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन ये एक मेजर रिस्क है यहाँ पर कि इनका सारा रेवेन्यू जो है मेनली यूएस से ही आता है तो अगर हेल्थ केयर रेगुलेशन में कोई चेंजेस आते हैं अगर ट्रंप कोई नई चीज़ ला, अ, लाते हैं यहाँ पर रिगार्डिंग कि कौन सी कंपनीज को ये बिज़नेस मिलना चाहिए तो ये एक रिस्क इस बिज़नेस में है जो सारे बिजनेसेस में हो सकता है करेंटली जो भी US या फिर एक्सपोर्ट तो इंटीग्रेशन कैसे होगा नहीं होगा इस पर थोड़े से डाउट्स अभी भी दिख रहे हैं सिर्फ पचास क्लाइंट्स है कंपनी के मेनली तो इससे डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस फ्रॉम द की क्लाइंट्स ये काफी ज्यादा है एंड इससे एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हमें नजर आती है कॉम्पिटेटिव मार्केट डायनामिक्स क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी सारी काफ़ी सारी कंपनीज है बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ हेल्थ केयर में ऑपरेट नहीं करती वो बहुत सारी चीज़ों में ऑपरेट करती है एंड हेल्थ केयर का ये आर सी एम इज़ वन ऑफ दी सेगमेंट्स फॉर इट तो वैसे कंपनी के कॉम्पिटिशन में काफी सारे कंपनीज आते हैं तो कॉम्पिटेटिव uh, एनवायरमेंट ये एक मेजर चैलेंज यहाँ पर हो सकता है अब फाइनली बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की जो आईपीओ आ रहा है वो किस वैल्यूएशन पर है तो कंपनी का ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथस का रेवेन्यू अराउंड Uh, 2470 करोड़ का है uh, जिस पर कंपनी अराउंड 374 सेवेंटी का पैट करेंटली कमा रही है इबिड्डा अगर हम देखें तो अराउंड 700 करोड़ का इबिड्डा है तो जिस वैल्युएशन पर कंपनी का अपर प्राइस बैंड है आईपीओ में उसके मुताबिक जो पी रेशियो है कंपनी का वो अराउंड सिक्सटी सिक्सटी है अब देखा जाए तो एक तरह से ये एक आईटी कंपनी ही है ऑफ अ काइंड विच इज इन अ वेरी नीट सेगमेंट तो इन uh, वैल्यूएशन्स पर क्या सेंस बनता है नहीं बनता है ग्रोथ तो वैसे कंपनी ने काफ़ी अच्छी दी है पर सिक्सटी uh, का वैल्यूएशन वैसे तो चीप नहीं है ग्रोथ देखकर शायद लगे कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है लेकिन हम कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए रुक सकते हैं कंपनी के कॉन कॉल्स जब होंगे तब कैसे गाइडेंस है कंपनी की मैनेजमेंट कैसी फोकस्ड है नहीं फोकस्ड है उन चीज़ों की बात हो सकती है ओवरऑल कंपनी का आईपीओ ही आईपीओ का जो uh, आई पी ओ लाने का जो थीसिस है वो यही है कि वो एग्ज़िट देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ uh, को एंड बाकी सारी uh, बाकी सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्वेस्टेड इन टू द कंपनी तो उनको एग्जिट देना ये एक प्राइमरी रीज़न है आई पी ओ का ऐसा नहीं है कि कंपनी आई पी ओ के थ्रू पैसे रेज करके अगला ग्रोथ जो है वो फ्यूल करना चाहती है तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वी कैन वेट फॉर द कंपनी टू गेट लिस्टेड क्या कंपनी के नंबर्स आते हैं क्या कॉन कॉल्स होते हैं किस तरह का गाइडेंस मैनेजमेंट देती है एंड ओवरऑल गवर्नेंस कैसा है उसका एक आइडिया जब लिस्टिंग के बाद लगेगा तब हमें बेटर आइडिया आ सकती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में सो विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया अबाउट आई हेल्थ Uh, मैं आशा करता हूँ कि जो स्टोरी हमने स्टार्ट में डिस्कस की आगे जो भी फाइनेंशियल डिस्कस किए पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस किए इससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी कैसी है एंड आई को अप्लाई करना चाहिए या नहीं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच